गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज से प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। दस्तक अभियान 16 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और संबंधित विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम का प्रदेश के सभी 75 जिलों में वर्चुअल प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और इंसेफेलाइटिस से मुक्ति दिलाने के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। इसमें आशा बहु, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर जागरूक करेंगी। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुए हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं और बीमारियों में कमी आई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए शिक्षकों ने, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, बाल विकास और पोषाहार विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, इन सबने, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल यानी चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के तमाम उन संस्थाओं के माध्यम से जो स्वास्थ्य के प्रति समर्पित हैं, यूनिसेफ, WHO, पाथ, टाटा ट्रस्ट, इन सब के साथ मिलकर के जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, जो प्रदेश के अंदर न केवल दिमागी बुखार से बल्कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, इन सभी से प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम जिसे हम वर्ष में 4 बार, हर तीसरे महीने में 1 बार उस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, आज ये कार्यक्रम फिर से अगले 3 महीनों का प्रारंभ होने जा रहा है, जो 1 महीने तक व्यापक जागरूकता का अभियान होगा। रैलियां निकलेंगी, घर घर जाकर के आशा बहने एक एक परिवार के साथ दस्तक देंगी।